गुड इवनिंग टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम आपको मौर्य वंश के बारे में बताएंगे। मेनली इससे पहले कि हम हर्यक डायनेस्टी के बारे में बता चुके हैं, मेनली हर्यक डायनेस्टी एंड देन सुसुंगा डायनेस्टी एंड देन नंदास डायनेस्टी। इस तरह से आज इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट मौर्यास डायनेस्टी एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मगधन एम्पायर 16 महाजनपद के बारे में डिस्कस कर चुके थे मेनली। एंड सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट मौर्यास डायनेस्टी। मौर्यास जिसके कि फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने की मान ली चाणक्य की हेल्प से धनानंदा जो कि लास्ट किंग थे मान ली उन्हें हराया था। और इसके बाद मान ली 322 बिफोर क्राइस्ट से 298 बिफोर क्राइस्ट तक मौर्यास वंश का शासन काल रहा। मैंने इसके इम्पोर्टेंट चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार और अशोक इसके राजा काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे। सो सबसे पहले बात करते हैं सीजीएम जो कि फाउंडर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी अंडर गाइडेंस ऑफ कौटिल्य चाणक्य जो कि इनके शासनकाल में पीएम काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल इन्हीं का मान ली। एंड 305 बीसी में मान ली सीजीएम ने सेल्यूकस निकेटर को हराया। एंड इसी की बेटी जो कि हेलेना पहला ऐसा राजा था जिसने कि विदेशी लड़की से शादी करी मान ली इसकी डॉटर हेलेना से शादी करी थी सीजीएम ने। एंड सीजीएम को ग्रीक भाषा में सेंड्रोक्टस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछ लेते हैं मान ली सेंड्रोक्टस मान ली कहते हैं। एंड पहला राष्ट्रीय शासक था मान ली से पहले राष्ट्रीय शासक नहीं हुए लेकिन पहला राष्ट्रीय शासक मान ली सीजेएम। एंड एकीकृत सत्या की स्थापना करी मान ली एकीकृत। एंड इसके अलावा इसके शासनकाल में प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया गया मान ली एक राजा नहीं रहता था अलग अलग पूरे देश को अलग अलग पार्टों में बांट दिया जाता था जैसे कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। इस तरह से प्रशासन का विकेंद्रीकरण मान ली सीजीएम के शासनकाल में किया गया। इस तरह से प्रशासन का विकेंद्रीकरण। एंड वर्क और नगर पालिका की तरह जैसे आज शासन करते हैं मैनली नगर पालिका जैसा था 6 परिषदें मैनली पाटलिपुत्र में इसने बांटी थी मैनली। एंड इस तरह से हर में 6-6 मेंबर हुआ करते थे। एंड इसके अलावा इसने इसके एक राज्यपाल थे पुष्यगुप्त बैस जिन्होंने की सुदर्शन लेक का निर्माण किया। ये क्वेश्चन पूछते हैं मैनली सुदर्शन लेक का निर्माण किसने किया वैसे कि राजा था मैनली सीजीएम एंड इसी का राज्यपाल था ये पुष्यगुप्त जो कि अवंती राष्ट्र का। एंड इसी ने जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन सुदर्शन लेक फॉर इरिगेशन पर्पज के लिए बनवाई थी मैनली सुदर्शन लेक जिसका कि वर्णन जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में है। एंड इसके बाद सीजीएम की मृत्यु सिरबड़ बेलगोला जो कि कर्नाटक में पड़ता है मेनली सिरबड़ बेलगोला मैसूर भूखा रहकर इसकी मृत्यु हो जाती है। भद्रभाव ने मेनली सीजीएम को जैन धर्म में कन्वर्ट किया। सीजीएम मरते मरते लास्ट में जैन धर्म को मेनली मानने लगा था 300 इस तरह से। इसके बाद इसका नेक्स्ट सन बिंदुसार से पहले बिंबिसार के बारे में बात की थी मैंने हर एक डायनेस्टी में ये बिंबिसार है बिंदुसार बिंबिसार के बारे में बात किए थे मैंने। इसकी मदर का नाम दुर्धरा एंड बिंदुसार इज नोन एज अमित्रघात और अमित्रोचेट्स के नाम से इसे जानते थे मैंने ये भी इम्पोर्टेंट अमित्रघात एंड फॉलोअर ऑफ जैनिज्म जैन धर्म को मानने वाला था मान ली ये भी। एंड अडॉप्टेड हिज एल्डेस्ट सन एज हिज वायसराय ऑफ तक्षशिला एंड अशोक एट उज्जैन मान ली इसने अपने महबूले भाई महबूले सन सुमाना और अशोक को मान ली तक्षशिला का राजा बनाया उज्जैन का और इसे तक्षशिला का वायसराय नियुक्त किया था। एंड इसे मैनली तक्षशिला में विद्रोह दबाने के लिए इन दोनों भाइयों को नियुक्त किया गया लेकिन ये सफल नहीं हुए लेकिन अशोक तक्षशिला का विद्रोह दबाने में सफल रहा।
अशोक विद्रोह दबाने में सफल रहा एंड बिंदुसार फॉलिंग फॉलोड आजीविका संप्रदाय मैनली आजीविका संप्रदाय को फॉलो करता था मैनली बिंदुसार एंड इसके अलावा आफ्टर डेथ ऑफ बिंदुसार अशोका किल्ड हिज ब्रदर एंड बिकम किंग किंग मैनली छह भाई को मार के अशोका अपने शासनकाल में शुरुआती के ईयर में काफ़ी क्रूर राजा था उसके बाद जिसमें चेंजेस आ गए मैनली अपने छह भाई को मारकर मैनली अशोका राजा बना एंड इस तरह से जैन धर्म के अनुयायी 272 बीसी में 200 मैनली अशोक फर्स्ट एट ईयर रूल लाइक क्रूअल किंग की तरह मैनली बर किया था क्रूअल किंग एंड अशोक मदर सुवंत्रांगनी और जनपदा कल्याणी मैनली अशोक का सगा भाई को नहीं मारा था और सभी भाई को 99 भाई को मारा था मैनली सगा भाई बिगंत शोक एंड इशूड इंस्क्रिप्शन लाइक डेरियस फर्स्ट एंड लुम्बिनी बर्थ प्लेस शाकमुनि ही इशूड लुम्बिनी देवपुलर एडिक्ट मैनली 273 से 269 बीसी 4 साल तक गृह युद्ध किया और 99 सौतेले भाइयों को मार दिया मैनली इसके बाद कारुबाकी जो कि चेदी वंश की पुत्री थी मैनली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका युद्ध कारगिल वो कलिंग का बार जो कि कलिंग उड़ीसा में पड़ता है मैनली कलिंग का युद्ध जो कि मैनली 260 कहीं 261 बीसी में मैनली चेदी वंश को हरा के मैनली चेदी वंश की पुत्री कारुबाकी से शादी किया था इसकी 5 क्वीन देवी असंधि माता एंड कारुबाकी पद्मावती एंड त्रियस्य रक्षा इस तरह से कारुबाकी एंड इसके 4 सन महेंद्र तिवारा एंड कुणाल एंड जोगलाका और डॉटर 2 थी मैनली इसकी चारुमती और संघमित्रा आफ्टर डेथ ऑफ अशोक मैनली इसके संद्रत दशरथ जो कि वेस्टर्न पार्ट पे शासन किया ईस्टर्न पार्ट पे कुमनाल इस तरह से किसके शासनकाल में धर्म महामात्र एक धर्म का मंत्रालय होता था इस तरह से इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट मौर्यन डायनेस्टी सो नेक्स्ट वीडियो में हम अशोक के कुछ बचे हुए इंस्क्रिप्शन के बारे में बताएंगे सो इस तरह से तब तक के लिए